दीपावली का त्यौहार सभी धूमधाम के साथ मनाते हैं। वहीं सोलन व आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण लोग परंपरागत तरीके से एकत्र होकर चौराहे पर जरा जलाते हैं, जिसमें सूखा घास सहित वर्ष भर खेती में इस्तेमाल हुए पुराने सामान को एकत्र कर चौराहे पर रखकर रात को लक्ष्मी पूजन के पश्चात जलाया जाता है। इससे पहले सभी लोग इसकी पूजा करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के अयोध्या लौटते समय कार्तिक अमावस्या की रात को रास्तों में उजाला करने के लिए हर गांव के चौराहे पर लोगों द्वारा जरा जलाया गया था। इस प्रथा को आज भी हर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने जीवित रखा है। जरा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ ज्योतिषी ओम प्रकाश शास्त्री ने बताया कि हर गाँव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम स्थिर लग्न में जरा जलाया जाता है। जरा का शाब्दिक अर्थ है क्षीणता और निर्बलता। गांव में कोई भी आपदा ना आए और नववर्ष मंगलमय हो, इसके लिए चौराहे पर जरा जलाया जाता है। ओम प्रकाश शास्त्री के मुताबिक धनतेरस के दिन घरों में जो दिया जलाया जाता है, उसी दीपक से महालक्ष्मी पूजन के उपरांत जरे को भी जलाया जाता है। दिवाली के दिन हर गांव-गांव में जरा जलाया जाता है। जरा शब्द का अर्थ है क्षीणता, निर्बलता। गाँव में किसी किस्म की आपदा ना आए, किसी किस्म क्षीणता ना आए, कोई कमियाँ ना रह जाए, पिछली बुराइयों को त्याग करके जितनी भी आपदाएं उनको जो है त्याग करके अगले वर्ष की शुभकामनाओं के लिए चौराहे पर जा करके जरा जलाया जाता। जरा शाम को कार्तिक अमावस्या के दिन स्थिर लग्न में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और सारे भाई बंधु इकट्ठे होकर के घर से पकवान लेकर के चौराहे पर जाते हैं। जो धनतेरस के दिन दीपक जलाया जाता है, उस दीपक को साथ लेकर के चौराहे पर सब लोग मिल करके जाते हैं और उस धनतेरस के दिन जलाए हुए दीपक से जो लोग इकट्ठे होकर के गांव से चौराहे पर जाते हैं, घास पत्तियां आदि लेकर के जाएंगे, उन सबको उस दीपक की ज्वाला से उस अग्नि को जलाया जाता है और उस अग्नि में जो पूजन किया जाता है सभी देवताओं का, पितरों का आवाहन किया जाता है ताकि हर गाँव में, शहर में, घर में, परिवार में सुख समृद्धि रहे। सोलन की ग्राम पंचायत सपरून के देहू गांव के निवासी रामलाल मेहता ने बताया कि वो इस परंपरा को अपने बुजुर्गों के समय से निभाते चले आए रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भी इस परंपरा से अवगत करवा रहे हैं ताकि भविष्य में भी ये परंपरा जीवित रह सके। हमारे पुरखों से प्रथा चली आई है कि रास्ते में रोशनी करके भगवान का आगमन होता है, राम जी के आने की खुशी में यह हर वर्ष दिवाली के शुभ अवसर पर जलाई जाती है और यह परंपरा हमारे बुजुर्गों से चली आई है और आज भी यह प्रथा हमारे गांव में देहात में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जरे जो है हमारे आगे के जो नौजवान पीढ़ी है वो भी इसी तरह परंपरागत चलाती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।